गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में सक्षम आने वाला हर बार की तरह, बट इस बार एक ट्विस्ट होगा। वो ये है कि सक्षम अकेला नहीं आने वाला है, उसके साथ आने वाला है उसका बड़ा भाई, मतलब कि मेरा भी भाई लगा ऑब्वियसली, एंड वो आने वाला है कनाडा से। एंड वो आखिरी व्लॉग में आपको दिखा होगा, आई थिंक सो 2022 की रखड़ी में। एंड अभी वो आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड अभी कितनी देर से वेट कर रही हूँ, बस 5-10 मिनट में आ जाएंगे एंड वेट करते हैं। एंड आपको भी दिखाती हूँ स्वागत वास्ते। नहीं, तो आपने मेरा ये क्लिप देख लिया होगा जब मैं उससे मिली थी। एंड अब आपको उनसे बात में मिलवाती हूँ। पहले वो भी एक ब्लॉगर है, उनका इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे भी चैनल है। एंड ये सक्षम भी इधर आ चुका है। मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि अब ये सक्षम, जैसे वो पहले गए हुए थे एंड सक्षम मुझे बहुत तंग करता था और मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था, एंड वो अब आगे है। एंड अब मुझे ये कुछ नहीं कह सकता, ये देखो पूरा बन के बैठा हुआ है। अभी तो मैं हम बाहर रहे ना, इसके लिए मुझे मार रहा है, उनके सामने नहीं मार सकता। तो गाइस ये है जो हमारे व्लॉगर साहब, हमारे थर्ड घर के तीसरा व्लॉगर जल्द ही पहले नंबर पे पहुंचने वाला है। और मेरी भी लेटेस्ट वीडियो को 16,000 व्यू आए हैं। वो वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज अभी मैं उठी हुई हूँ 6 बजे सुबह के, एंड अकेली मैं ही उठी हूँ। सक्षम भैया सारे सोए हैं एंड अभी उनको उठाते हैं, उसके बाद मैं को घुमाने चलते हैं, मतलब बाहर कहीं। मैं जिनको नहीं पता कि मैं कौन है, वो ना बता देती है कि मैं क्या, हमारा छोटा सा इतना सा बेबी, मतलब हमारा डॉगी है। एंड अभी उसको घुमाने चलेंगे, उसके बाद घर आएंगे, उसके बाद कुछ खाएँगे। इतनी सुबह सुबह तो नहीं, कुछ खाएंगे, थोड़ी बहुत रेस्ट करके घूम फिर के आते हैं, फिर कुछ खाते हैं एंड फिर आपसे मिलते हूँ। गाइस ये हमारा डॉग मैक, जिसको हम प्यार से नोनी भी बुलाते हैं, और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है नोनी की, इससे मिलो। मतलब ये भी एक नोनी है भाई, किसी के मिलती ना जी। मम्मा तू ना फाड़े नू, ये ना मैं तेनू चाक के खा ली। गाइस अगर हम ऐसे करें तो ये हमें पड़ेगा। मेरे पास गाइस देखो, गाइस मैं 3-3 डॉग्स को घुमाने लेके आया हूं। तू भी एक आई एम नॉट अ डॉग, शी ओ दिस इज द बिच, यू आर अ बिच गाइस। ये एक BTS फैन है।